देखिए दिन भर की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में विनय ज्ञान चंद्र के साथ। एक बार यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर जहां उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने कमर कसी हुई है, वहीं स्टाफ के अभाव में तीन तीन शिफ्ट में परिवहन निगम के कर्मचारी काम कर रहे हैं। वाराणसी, आजमगढ़ और गाजीपुर बनारस मार्ग पे संचालित हैं जी, और भारी संख्या में लड़के आ रहे हैं। ड्राइवर कंडक्टर लगातार तीन दिन से ड्यूटी कर रहे हैं जी, जिसमें उनको भी समस्या हो रही है, उनके सोने और खाने का भी समय नहीं मिल पा रहा है। लेकिन इन सब कठिनाइयों के बावजूद भी हमारे ड्राइवर कंडक्टर तन मन से लगे हुए हैं कि बच्चों को उनके परीक्षा स्थल तक पहुंचाया जाए और परीक्षा स्थल से उनके घर तक। आप बता रहे हैं कि ड्राइवर कंडक्टर कठिनाई हो रही है, क्या बसों के सापेक्ष स्टाफ का अभाव है? ये तो पहले से है, उसे कोई अंतर नहीं है। डबल ट्रिपल करके हमारा स्टाफ ड्यूटी कर रहा है और स्टेशन पर शायद ही आधा घंटा से ज्यादा किसी को खड़ा होना पड़ रहा है। ठीक। जनपद मऊ के रानीपुर थाना अंतर्गत आयुष्मान आरोग्य सेंटर में तीन दिन से गायब कक्षा 9 के छात्र की लटकते हुए लाश मिली है। परिवारजनों ने आरोप लगाया कि इसके पहले भी तीन बार मारपीट की गई, लेकिन पुलिस की शिथिलता कारण गई है युवक किशोर की जान। एक बच्चा है जिसकी उम्र लगभग 16-17 साल है, उसकी बॉडी एक पुराना खंडर अस्पताल है पुरट में, वहाँ कमरे में लटकी हुई मिली है। और ये जो बच्चा है ये परसों स्कूल 9:30 बजे करीब गया है और तब से बच्चा ये गायब है। इसके संबंध में थाना रानीपुर पर अभियोगी कल पंजीकृत किया गया है और उसकी तलाश की जा रही थी, तो आज ये सुबह इसकी बॉडी यहाँ लटकी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और मंत्री AK शर्मा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, वहीं सदस्यता अभियान का उद्घाटन किया है। उन्होंने कहा कि विजय 2027 की निश्चित है। वहीं घोसी तहसील अंतर्गत मुस्कुरा गांव में नदी किनारे एक युवक की लाश मिली है, सनसनीखेज इस खबर के बाद जहां पूरे गांव में सनसनी मच गई। वहीं मौके पर पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जनपद मऊ में एक दिन में 2 लाशें और हत्या के खबर के बाद से जहां जिले भर में सनसनी मची हुई है, वहीं पुलिस के कार्यशैली पे भी लोगों ने गहरे सवाल उठाए हैं। मऊ में लगातार दूसरे दिन 3 मुन्ना भाई पकड़े गए हैं। इस बीच आपको बता दें कि जनपद मऊ के प्रतिष्ठित तालिमुद्दीन इंटर कॉलेज से जहां 3 मुन्ना भाई को पकड़ के पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, वहीं दूसरे की जगह परीक्षा देने आए थे ये जालसाज। कोतवाली जनपद मऊ में तालिमुद्दीन इंटर कॉलेज में चल रही पुलिस भर्ती परीक्षा में एक अभ्यर्थी की जगह पर दूसरे अभ्यर्थी के द्वारा बैठकर परीक्षा देने का प्रयास किया। इसके सूचना मिलने पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची तथा तथ्यों की छानबीन की गई। प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध पाए जाने पर दोनों को ही थाने पर बुला लिया गया और अग्रिम पूछताछ की गई। जैसा कि कंट्रोल रूम जो है उसके द्वारा जो सूचना मिली थी कि बायोमेट्रिक और पहचान पत्र की जाँच के मामले में किसी स्तर पर भिन्नता पाई गई है, जिसके आधार पर यह पुष्टि हो रही है कि अभ्यर्थी दूसरे के जगह पर बैठा है। इस पर और जब जांच की गई तो यह तथ्य सही पाया गया, लिहाजा उनसे पूछताछ के दौरान एक अन्य व्यक्ति जो कि इनका सहयोगी रहा है उसका भी जो है कि नाम का खुलासा हुआ। इनके नाम क्रमशः जो अभ्यर्थी जिसको परीक्षा देनी थी उसका नाम कुलदीप सनाप शंभुनाथ जो कुसुमी गोरखपुर का रहने वाला है, जबकि जो अभ्यर्थी परीक्षा बैठकर देने जा रहा था या दे रहा था उसका नाम सुमन सनाप सत्येंद्र बरना थाना विक्रमगंज रोहतास बिहार का रहने वाला है, और उसका जो सहयोगी है उसका नाम विकास कुमार सनाप सुरेश सिंह खेलड़िया विक्रमगंज रोहतास बिहार का रहने वाला है। इस प्रकार यह तीनों व्यक्ति न सिर्फ परीक्षा में गड़बड़ी की मंशा से दूसरे के जगह पर बैठकर देने का प्रयास करने वाले थे, बल्कि इनके पास जो सामग्री मिली है इससे प्रतीत हो रहा है कि यह आगामी परीक्षाओं में भी किसी अन्य अभ्यर्थी की जगह पर बैठकर परीक्षा दे सकते थे, क्योंकि इनके कब्जे से अन्य भी प्रवेश पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, निर्वाचन कार्ड आदि बरामद हुए हैं। इस प्रकार इनके इस कृत्य पर तत्काल गिरफ्तार करते हुए थाना कोतवाली पर 270/24 क्राइम नंबर पर छोटे संगठित गिरोह के अनुचित साधनों का प्रयोग करना, सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण अध्यादेश की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत तथा इनके द्वारा इलेक्ट्रॉनिकली मॉडिफिकेशन करते हुए जो अनुचित तरीके अपनाए गए बायोमेट्रिक इत्यादि बाईपास करने में,
जितनी गंभीर धाराएं थी सभी को जो है लगाते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई के लिए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया।